चार सालों हास्ते किपिलका हास्ते निकसा मंच अक्रा विप्लव कुमार देव आगरतला बीरखम खला निसिमी बन लामसुग नाहरका हास्ते बीजेपी ने आदंग्रक दे राज्यसभा एम पी आचुक थाय बार्तनिया बागैबटियार अंजाक हास्ते निकसा मंच अक्रा विप्लव कुमार देव हास्ते हमग्रानी बागै जुदा जुदा तांगबदानी बारजा या फारजाकमानी अब हास्ते लुकुरुकनि खापुरमा बान या फारजागोहनि साखा भारतीय जनता पार्टी मंत्री बखरकनी दागिमु बान सामू तंगजगै दौमानी कग्रकन बखुरजाका तेसुगानी सैफानो हास्ते गोबां आचुक थाइबै बीजेपी हाबां खाफिनानी कक्नब साखा बी कक्लाम देखिए ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, गृहमंत्री श्री अमित भाई शाह जी, इन सभी महानुभव के साथ में काम करने का मुझे मौका मिला है। और त्रिपुरा को जिस तरीके से एक के बाद एक सम्मान दे रहा है, त्रिपुरावासी का भी सोचा नहीं। मुझे जो भी आज दायित्व मिली है वो त्रिपुरा के वासी के प्यार के कारण से मिली है। मोदी जी भी त्रिपुरा के लोगों को प्यार करता है। त्रिपुरा छोटी स्टेट है, उस स्टेट से उठा के किसी को हरियाणा जैसे प्रदेश को प्रभारी बना देना है, मैंने किस जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा? और मोदी जी जैसा नेता मिला है, नड्डा जी जैसा अध्यक्ष मिला है, अमित भाई जैसा संगठक गृहमंत्री मिला है, और सर्वोपरि मेरे त्रिपुरा के जनता है। उस जनता ने देखा दिया, जो जनता जीरो से सरकार बनाया, और उसी जनता ने आज कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुई थी उस भूमि में अपना पुत्र को भेज रहा है। और मेरा जो आस्था है मोदी जी के प्रति, पार्टी के प्रति, और मैं इसको अपने पूरा जीवन लगा के निभाऊंगा। हरियाणा में खट्टर जी मुख्यमंत्री है, हमारे बुजुर्ग है, बड़े हैं, उनसे कुछ मैं सीखूंगा। और साथ ही साथ जो निर्देश जेपी नड्डा जी के थ्रू, अध्यक्ष जी के थ्रू दिया जाएगा, मैं इसको अच्छे ढंग से हरियाणा के जनता के पास और संगठन के पास लेके जाऊंगा। ये मेरा अपना जो सोच और विचार है, और आगे हमारे केंद्रीय नेतृत्व जैसे मुझे काम देगा उसी हिसाब से मैं काम करता रहूंगा। স্যার, একটা অংশ থেকে আওয়াজ উঠছে যে বিপ্লব কুমার দেবকে রাজ্যসভার প্রার্থী করা হয়েছে নির্বাচনে, হরিয়ানার প্রভারী করা হয়েছে, ত্রিপুরা থেকে বিপ্লব দেবকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্ল্যানিং, কি বলবেন তাদের উদ্দেশ্যে? দেখি, সরি, বিজেপি মে এসা হতা নহি হ্যায় অর সাথ সাথ মেরে সিফ ত্রিপুরা কে প্রতি দায়িত্ব এসা নহি হ্যায় মে ভারত ভূমি মে জন্ম লিয়া হুম, ইসলিয়ে সংগঠন কে বাকি সব রাজ্য মে ভি কাম করনা হামারা ডিউটি হ্যায়। और त्रिपुरा में मैं काम नहीं करूंगा, किसने बोला? मैं तो त्रिपुरा से राज्यसभा एमपी बन रहा हूं ना, तो पूरे त्रिपुरा में मुझे काम करना पड़ेगा। सामने हमारा 23 के इलेक्शन है, और मैं मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके कैसे आए वही करूंगा, और त्रिपुरा के जनता के साथ लेकर करूँगा। कार्यकर्ता और त्रिपुरावासी के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कार्यकर्ता के लिए, कार्यकर्ता तो मेरा जान है, मुझे तो यही लोग बनाया।